जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि कैसे पैसों की कमी को पूरा करने के लिए चाओ यान ने स्पिरिट एलिक्सर बनाकर ऑक्शन में बेच दी, जिसके बाद उस ऑक्शन यानी बोली में उसी के पापा ने वो स्पिरिट एलिक्सर खरीद ली। अब इस एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि चाओ यान के पास पैसों की कमी पूरी हो गई है, लेकिन उसके पापा से उसके भाई यानी चाओ यान के चाचा इतनी महंगी डील करने पर लड़ रहे थे, लेकिन चाओ जिन उल्टा यह कहकर उन्हें फटकार देता है कि वो अपने बेटे के लेवल बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा और ऐसा करने के लिए वो अपनी संपत्ति को भी बेच देगा। अब उनकी ये सब बात चाओ यान भी सुन लेता है, जिसके बाद वह अपने पापा से मिलता है। तब वो इमोशनल होकर उन्हें गले लगाकर बहुत रोता है और कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने लेवल्स बढ़ाकर 3 साल बाद होने वाले मैच को जरूर जीतूंगा। अब चाओ जिन बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह अपने बेटे को स्पिरिट एलिक्सर देता है। अब चाओ यान आज रात को ही लेवल बढ़ाने का डिसाइड करता है, लेकिन इसका मास्टर उसे जल्दबाजी ना करने की कहता है, क्योंकि जल्दबाजी से उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता था। वो फिर अपनी जी जान लगाकर ट्रेनिंग करने लगता है। वो वैक्यूम पाम और फायर ब्लोइंग टेक्निक की बहुत प्रैक्टिस करता है और उसके मास्टर भी उसकी प्रोग्रेस को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो उनकी आशा से भी ज्यादा आगे निकल रहा था, यानी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब चाओ यान का मन लेवल 7 पर पहुंचने का था, लेकिन मास्टर कहते हैं कि वहां तक पहुंचने में तुम्हें 1 साल का समय लगेगा, लेकिन चाओ यान को 2 महीने के अंदर लेवल 7 में पहुंचना था, क्योंकि 2 महीने बाद उसके शहर में कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, जिसके अंदर उसे अपनी एबिलिटी दिखानी है। वही हमेना यान को दिखाते हैं, जो अभी भी एक पहाड़ पर बैठकर ध्यान कर रही थी और 3 साल बाद होने वाले मैच के बारे में सोच रही थी। वहीं चाओ यान को प्रैक्टिस करते हुए 1 महीना बीत जाता है, जिसके बाद उसकी बहन उससे सुबह सुबह बुलाने आती है, जिसके बाद वो दोनों उस टावर के पास जाते हैं जहां सब अपना लेवल्स चेक करते थे। पहले चाओ जनर अपना लेवल चेक करती है, जिसमें उसका लेवल 9 था, लेकिन जब चाओ यान अपना लेवल चेक करने जाता है तो हमेशा की तरह सब उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फिर चाओ यान अपना लेवल चेक करने जाता है तो वो अपना लेवल 7 पाता है। असल में इस 1 महीने में उसने अपने मास्टर की मदद से नॉर्मल से काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी और पानी को भी अपने प्रोड्यूस की हुई फ्लेम से उड़ाने की ताकत प्राप्त कर ली थी, जिसकी वजह से उसका लेवल 7 पर पहुंच गया था। अब चाओ यान वैक्यूम पाम और फायर प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट हो चुका था। अब यह देखकर सब काफी शॉक होते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहाँ एक लड़की जिसका नाम जी माई है, वो भी चाओ यान के साथ मिलकर प्रैक्टिस करना चाहती थी, जिसके बारे में चाओ यान से पूछती भी है, लेकिन चाओ यान की सिस्टर साफ मना कर देती है। अब चाओ यान के पापा चाओ जेन की भी काफी तारीफ होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर जायली बीए हाउस की हेड तक पहुंचती है, जहां वो काफी ज्यादा भड़क उठाता है, लेकिन फिर उसका बेटा उसको एक इविल मुस्कान देता हुआ एक प्लेन बताता है कि 1 महीने बाद कमिंग ऑफ एज सेरेमनी जाएंगे और उसके अंदर किसी कमजोरी का पता लगा लेंगे और इसको आसानी से हराने में सक्षम हो जाएंगे। फिर 1 महीने बाद अब सेरेमनी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर चाओ यान को रिंग के अंदर बुलाया जाता है और घोषणा की जाती है कि कोई भी जिसका लेवल 9 हो या 9 से नीचे हो, वो चाओ यान को चुनौती दे सकता है, जिस पर ची निंग उसके सामने आता है और उसे लड़ने लगता है। ची निंग वही है जो हमेशा से चाओ यान को परेशान करता था और जिसके पिछले एपिसोड में चाओ जनर से रिंग में फाइट कर रहा था। अब उस दोनों में फाइट शुरू होती है, जिसमें पहले चाओ यान बार को रोकता है, लेकिन फिर अब उस पर अटैक करना शुरू करता है, जिसके बाद वह फायर ब्लोइंग टेक्निक का यूज कर उस पर ही वार करता है और उसी से जी निंग हार जाता है। अब जी निंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लेवल 8 होने के बावजूद वो लेवल 7 वाले से हार गया था, लेकिन अब इस मैच में चाओ यान ने क्योंकि अपने फुल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन दिया था और स्पिरिट एलिक्सर भी अब अपना असर दिखाना शुरू कर गई थी, इसलिए अब इसका लेवल 7 से 8 पर पहुंच जाता है, यानी वो लेवल 8 का योद्धा बन जाता है, जिसके बाद जी निंग गुस्से में आके पीछे से उस पर वार करने आता है, लेकिन चाओ यान इस बार फायर ब्लोइंग और वैक्यूम पाम दोनों का एक साथ यूज करते हुए उसे बहुत दूर फेंक देता है, जिससे वो बहुत घायल हो जाता है। वहीं जायली पीए भी मौजूद था, जहां वह वो अपना खतरनाक प्लान को अंजाम देता है और उसे चुपके से बहुत भारी कल्टीवेटेड मेडिसिन दे देता है, जिससे जी निंग तुरंत बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, यानी इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सभी लोग उसको देख समझ जाते हैं कि इसने ऐसी दवाई खाई है जो उनके शहर में बेन है। वो उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जी निंग के ऊपर गुस्सा सवार था, जिसके बाद वह सीधे चाओ यान को मारने उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन चाओ यान उससे नहीं डरता और वो काउंटर अटैक करता है, जिसमें वो जी निंग की हड्डी पसली तोड़ देता है। अब मैच बेन किया जाता है, जहां जी निंग के पापा उसके पास आकर उसका हाथ चेक करते हैं।
जहां उसका एक हाथ बुरी तरह से टूट गया था, जिस पर वो जाओ यान को फटकारता है, उसे क्लोर आदमी बताता है। लेकिन वहां जाओ क्लेन के और भी लोग आते हैं, जहां वो लोग जी निंग की ही गलती बताते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन उसने खाई थी वो उनके शहर में बेन थी और अब उसको वो 3 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं और जाओ यान को विनर घोषित कर दिया जाता है। जी निंग जाओ यान के चाचा का बेटा था और जाओ जेन का ही भतीजा था। वहाँ पर या फाई भी मौजूद थी और वो भी जाओ यान को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वहीं सब अपने अपने क्लेन में लौट जाते हैं, जहाँ जाइली पी भी काफी ज्यादा आग बबूला हो रखा था, क्योंकि 1 साल में लेवल 8 तक पहुँचने वाला इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। असल में जाओ यान की ताकत डे बाई डे बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से जाओ क्लेन मजबूत हो रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर उसकी शादी 3 साल बाद ना भी हो पाई तो जाओ यान इतना शक्तिशाली होगा कि वो अकेले ही सभी क्लेन पर भारी पड़ेगा। इसलिए उन सभी को जाओ यान से डर लगने लगा था। लेकिन अब भी उसका बेटा फिर से उन्हें चिंता ना करने की कहता है और उन्हें एक आदमी से मिलवाता है। उस आदमी का नाम लियू जी है और वो हालांकि बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी है, लेकिन जाइली बीए की अगर कोई मदद कर सकता था तो वो ही आदमी था। जाइली बीए भी उससे जाओ क्लेन को खत्म करने में मदद मांगता है, जैसे पर वो मान जाता है, लेकिन अपनी एक शर्त रखता है कि अगर वो उसे ऑक्शन हाउस के इंचार्ज या फाई को लाकर उसे देगा, यानी लियू जी को या फाई के साथ अय्याशी करने का मौका मिलेगा, तभी वो जाइली बीए की मदद कर देगा। अब जाइली बीए के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। वही हमें फिर जाओ यान को दिखाते हैं, जो बाजार में घूमते हुए अपनी बहन के साथ कई तरह की और टेक्निक्स पर डिस्कस कर रहा था। लेकिन वो अपने आसपास के मार्केट में नोटिस करता है कि आज की मार्केट अलग है। वहाँ जब उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जाइली बी हाउस ने मार्केट को खरीद कर उनका दाम सस्ता कर दिया है, जिसकी वजह से जाओ क्लैन की मार्केट पूरी तरह से बंद होने के कगार पर आ गई है। इसलिए जाओ यान इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने का डिसाइड करता है और ऑक्शन हाउस में जाकर या फाई से मिलता है, जहां उसे एक मेडिसिन फॉर्मूला देता है। उस मेडिसिन का फॉर्मूला खून के बहने से रोकने का था। असल जाइली पीए ने जैसे चीज से मार्केट को हासिल कर लिया था, वो एक तरह से रिजुवेनेशन पाउडर था, जिसका दाम बहुत सस्ता और असर बहुत तगड़ा वाला था। इसके लिए जाओ यान भेष बदल कर रिजुवेनेशन पाउडर से भी अच्छी मेडिसिन का फॉर्मूला ऑक्शन हाउस में लेकर लाया था, ताकि यहाँ वो इसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स हासिल कर सके और जाओ क्लेन फिर से अपनी मार्केट हासिल कर सके। अब या फाई उसको इस मेडिसिन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देने से मना कर देती है, क्योंकि वो जाइली बी के साथ किसी तरह का पंगा नहीं लेना चाहती थी। वो बात कर रही होती है कि अचानक वहाँ बहुत सारे सैनिक आकर उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जाओ यान उन सबको अपने एक ही हाथ से वैक्यूम पाम टेक्निक का यूज करते हुए सबको मारकर सबको हरा देता है। अब या फाई एक सैनिक से पूछती है कि तुम्हें किसने और क्यों भेजा है, जिसने सैनिक बता देता है कि उसको लियू जी ने तुमको किडनैप करने के लिए भेजा है, ताकि वो तुम्हारे साथ अय्याशी कर सके। ये सुन या फाई को गुस्सा आता है और वो सैनिक को चांटे मार मार कर भगा देती है और वो जाओ यान का धन्यवाद करती है। वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो उसे सारी इंग्रेडिएंट्स दे देती है, जिस पर अब जाओ यान इन सभी को जाओ क्लेन को देने को कहता है। या फाई पूछती भी है कि तुम्हारे जाओ क्लेन के साथ क्या संबंध है और तुम कौन हो, जिस पर अब जाओ यान अपना मास्क हटाकर उसे अपना फेस दिखा देता है। उसको देखकर या फाई बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो पहले से ही उसकी फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस रहती थी। वहीं जाइली बीए लियू जी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे डर था कि अब उसका ऑक्शन हाउस में एंट्री बंद ना हो जाए। लेकिन उसका बेटा बताता है कि उसने हमारी एंट्री बंद नहीं की, लेकिन हमारे खरीदे जाने वाली चीजों के दाम 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। वहीं अब जाओ क्लेन के सभी बड़े लोग ऑक्शन हाउस में कुछ ऐसा सामान ढूंढने का प्लान बना रहे थे कि जिससे वो रिजुवेनेशन पाउडर को टक्कर दे सके, कि तभी वहां या फाई उन सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर उनके महल के अंदर आती हैं, जहां वो उन्हें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को देने की बात कहती है। जाओ क्लेन के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो ये सब खरीद सके, लेकिन या फाई उन्हें बताती है कि ये ओल्ड मास्टर का गिफ्ट है जो तुम्हें वो देना चाहते हैं। तभी उनके सामने ओल्ड मास्टर आते हैं, यानी जाओ यान खुद भेष बदल कर वहाँ आता है और वैक्यूम पाम की मदद से वो इंग्रेडिएंट्स का यूज करके वही उन सभी के सामने मेडिसिन बनाने लगता है, जिसके बाद मेडिसिन तैयार हो जाती है और वो कहता है कि इस मेडिसिन से ब्लीडिंग बहुत जल्दी जल्दी रुकने लगेगी और रिजुवेनेशन पाउडर इसके सामने कहीं खड़ा भी नहीं हो पाएगा। अब जाओ क्लेन इतने बड़े गिफ्ट को हासिल ऐसे ही नहीं कर सकते थे, वो मना भी करते हैं, लेकिन ओल्ड मास्टर कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे बेटे जाओ यान की फाइटिंग स्किल्स को देखकर यानी इम्प्रेस होकर दे रहा हूँ। और ये सब कहकर या फाई और ओल्ड मास्टर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। या फाई रास्ते में उसे समझाती भी है कि जाइली पी से तुम्हें थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा, लेकिन जाइली पी से कोई डर नहीं था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है।
तो आपसे मैं अब अगले एपिसोड में मिलूंगी। सो तब तक के लिए बाय।